खैर सुबह के लिए नाश्ता रख लिया था, तेरे चौको भी रख लिए थे और चौप के लिए हड्डियां भी रख लिए थे, और कुछ भूल तो नहीं गए ना हम लोग? अरे कुछ भी नहीं भूले, वैसे हड्डी से याद आया, आपकी चड्डी में छेद हो गया था, वो रख ली क्या? नहीं कैसी बातें करते हैं यार शिनचैन, रख ही ली होगी ना यार, मेरी चड्डी है उसमें छेद है तो मेरे को नहीं पता होगा क्या? अरे मैंने सोचा याद दिला दूं। मत दिला कर यार, ठीक है ना? अरे वाह, एक सेकंड, क्या खतरनाक कार है तुम्हारे पास। एक सेकंड, मेरे से बात कर रहे हो क्या? अरे हाँ भाई, तुम ही से कह रहा हूँ। अरे बढ़िया तो होगी ही, चोरी की जो है। चोरी की है? अरे चोरी की नहीं है। ओए यार शिनचैन, तेरे को कितनी बार बताऊं यार, ये वाली कार मेरी चोरी की नहीं है, ये मैंने खरीदी थी। हाँ, वो भी आयरन मैन से। अरे पर जिन पैसों से खरीदी थी वो तो चोरी के ही थे, तो इनडायरेक्टली कार तो चोरी की ही हुई। ना मैं इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट गया तेरा भाड़ में, ज्यादा ना दिमाग मत चलाया कर तू। अरे मैं इतना भी कुछ खास नहीं। खास तो तू वैसे भी नहीं है। कह रहा बैठ जल्दी से, घर की ओर चले, पूरा मूड खराब कर दिया। अरे आपका मुँह तो पहले से ही खराब है। मुंह की बात नहीं कर रहा मैं, मूड की कह रहा हूँ, मूड। गाइस यार दिमाग ही खराब कर दिया। अबे तू कब बैठेगा अब? अरे बैठता रहूं। बैठ जल्दी से। खैर गाइस अब निकलते हैं यहाँ से जल्दी से, शिनचैन को मैं क्या ही बोलूं, इसका तो बस एक ही काम है गाइस, बस हमारा दिमाग खराब करना अपनी बकवास बातों से। अरे खुद तो जैसे बहुत ही अच्छी बातें करते हो, खुद भी तो बकवास ही करते रहती हो बस। तेरी तरह तो नहीं करता कम से कम, मानी तो। अरे ठीक है ना, शांति से गाड़ी चलाओ। चला ही रहा हूँ कार। एक सेकंड, गलत रास्ते पे आ गए देख, तेरी वजह से बातों बातों में। हाँ ये सही है, खुद गलती करो ना मेरे पे डाल दूं। अरे शिनचैन इसी को तो कहते हैं टैक्टिक्स। ओ ज्यादा टैक्टिक्स मत कर, ठीक है ना? उसके कान भर रहा नहीं तो मेरे खिलाफ, दोनों मिलकर के अपनी अलग ही टीम चला रहे थे गाइस ये घर में। खैर मैंने क्या ही बोलूं। अरे वैसे आज हम करने क्या वाले हैं? क्या करने वाले यार शिनचैन, एक सेकंड, अभी तो कुछ सोचा नहीं था कि क्या करने वाला है, लेकिन ये क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे यहाँ पर तो पहले से बहुत कुछ चल रहा है। ये क्या, फ्लैश और सेविटार के बीच में लड़ाई हो रही है? एक मिनट, ये क्या सीन है गाइस, एक मिनट अंदर चल के देखते हैं। आ जाए यार शिनचैन, आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम क्या मुझे छोड़ोगे, पहले मुझे पकड़ तो लो, सबसे फास्ट मैं ही हूँ बस। बिना पावर्स के क्या लड़ रहे हो, हिम्मत है तो पावर्स के साथ लड़ो। पावर्स के साथ आओ चाहे पावर्स के बिना, फास्ट तो मैं ही हूँ। एक सेकंड गाइस, इनकी लड़ाई तो एकदम बच्चों की तरह हो रही है। अरे ये क्या, ये तो अपनी पावर्स को लेके लड़ रहे हैं। वही तो यार शिनचैन, गाइस मैं क्या ही बोलूं यार, इन पे दिमाग का है यार, अपनी पावर्स ज्यादा दिखाने के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे से, ये कोई बात थोड़ी होती है। अरे तुम दोनों रुक रहे हो कि नहीं रुक रहे? कोई जरूरत नहीं है रुकने की, मारो इसे ऐसे ही। एक साकिन, ये पहली बार क्या कर रहे हैं यहाँ पर? भीड़ को देख करके तो चौंक ही गए होगे तुम मैक्स। दरअसल सेविटार हमारी टीम का है ना, तो उसको सपोर्ट करने आ गया मैं। एक मिनट, ये क्या बात हुई, तुम भी तो सपोर्ट करने आए हो यहाँ पर फ्लैश को? मैं फ्लैश को सपोर्ट वपोर्ट नहीं करने आया था, मैं तो यहाँ पर लड़ाई रुकवाने आया था यार, मतलब हर चीज में गाइस हमें दुश्मनों की तरह खड़ा कर देता है पेनीवाइज। यार तुम रुक रहे हो कि नहीं रुक रहे? मत रुकना, दिखा दो कि ताकत किस में है ज्यादा। ये क्या बात हुई, ताकत देखने का कौन सा तरीका हुआ ये? हिम्मत है तो फिर एक कॉम्पिटिशन ही कर लो ना। कॉम्पिटिशन है, उसमें तो हारोगे ही तुम। अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर आ जाओ ना फिर मैदान में, देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। अरे हाँ हिम्मत है तो करके दिखा दो पेनीवाइज। तुम लोग मेरी हिम्मत की तो बात करो मत। खैर तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे रैंप के ऊपर, और यहाँ देख लो टीम भी बट चुकी है ऑलरेडी। हाँ गाइस देखो, घोस्ट कम्युनिटी की साइड सारे के सारे फ्लैश के वो वाले वर्जन है जो कि करप्टेड है, और इधर पे गाइस हमारे पास अभी वो वाले वर्जन है जो कि एकदम सही है, और हम इन्हें अपनी टीम का हिस्सा कह सकते हैं। एक सेकंड, ये क्या सीन है गाइस, ये थॉर उधर की साइड मुंह करके क्यों खड़ा है? अरे पता नहीं कौन से सपनों में है। एक सेकंड रुक, अरे थॉर, अरे पता नहीं क्या हो गया इसको। अरे थॉर कहाँ पर हो तुम? अरे वो एक सेकंड, क्या हो गया? अरे क्या हो गया, खो का रखे हो ये तुम, इतना बड़ा कंपटीशन होने वाला अभी। अरे तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में खो रखे हो, क्या सपना देख रहे थे वैसे? अरे शिनचैन सपना तो कमाल का था। अरे दीदिया भी थी क्या सपने में? और नहीं तो क्या, वो भी बहुत सारी। एक सेकंड, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम दोनों मिलकर यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग कॉम्पिटिशन करने के लिए आए, ये सारी बातें करने के लिए नहीं आए। एक काम करो, अपना मुंह बंद रखो सब, और गाइस हम लोग यहाँ पर कॉम्पिटिशन को स्टार्ट करते, तो फिर आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो गाइस अभी के अभी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो गाइस, और फैमिली का हिस्सा बन जाओ जल्दी से। हाँ गाइस अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दो, और हम यहाँ पर हमारा कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन जाएगा? अरे घोस्ट कम्युनिटी से ही भेजो। हाँ गाइस घोस्ट कम्युनिटी से ही भेजेंगे। और एक और बात ये कि मैंने आपको गाइस बताया नहीं कि कंपटीशन कैसे होने वाला है, तो देखो गाइस सीन ऐसा होने वाला है, जैसे यहाँ से भागना शुरू करेंगे किसी भी टीम के फ्लैश, तो फिर गाइस उनके ऊपर दूसरी टीम वाले हमला करने की कोशिश करेंगे बीच ब्रिज में, मतलब जो ब्रिज बना रखा है हमने रैंप वाला, इसके अंदर बीच में गाइस ये लोग हमला कर सकते हैं घोस्ट कम्युनिटी वालों की बारी में, और जब यहाँ हमारे वाले फ्लैश की बारी होगी
होगी तब गाइस घोस्ट कम्युनिटी वाले हम पे भी हमला कर सकते हैं, मतलब की खतरनाक ही सीन होने वाला है। तो देखते हैं, तो घोस्ट कम्युनिटी की तरफ से पहले कौन जाएगा तुम तीनों में से? मैं जाऊंगा। एक मिनट गाइस, रिवर्स फ्लैश जाएगा। ठीक है, तुम चले जाओ। सोच लो रिवर्स फ्लैश, नाक नहीं कटनी चाहिए मेरी। नहीं कटेगी, उल्टा मैं तो फ्लैश से भी ज्यादा ताकतवर हूँ। खैर ये तो देखते हैं अभी। गाइस कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा लग रहा है इसके अंदर। ठीक है चलो जाओ फिर तुम। जाता हूँ, देखते जाओ अब तुम। खैर तो तुम रेडी तो हो ना फ्लैश? हाँ मैं रेडी हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पर अभी अपनी पोजीशन पे पहुँच चुका है। कितनी जल्दी पहुँच गया एकदम, ये भी क्या अभी पहुँच गया गाइस एकदम से। अब ठीक है तो फिर हम तीन तक गिनेंगे, उसके बाद तुम्हें यहाँ से सीधा भागना है सामने की ओर। और एक बात का ध्यान रखना, बीच में कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, एवेंजर्स कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोला, और हम तो एवेंजर्स की साइड है। सोच रहा हूँ मैंने पान मार दी तो क्या होगा तुम्हारा? पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा इसका। तुम्हारी बात की बदबू मेरी नाक तक पहुंचेगी ही नहीं, इतनी तेज भागूंगा। खैर देखते हैं। खैर गाइस यहाँ पर तो चैलेंजेस लग चुके हैं सबके, देखते हैं कि आखिर होता क्या है। ठीक है तो फिर स्टार्ट करो तुम रिवर्स फ्लैश। तो 3, 2, 1 और यहाँ पर गाइस रिवर्स फ्लैश ने भागना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा तेज भाग रहा है यार ये। अरे तो बहुत ज्यादा तेज भाग रहा है सच में। हाँ यार शिनचैन इसकी स्पीड गाइस सच में बहुत ही ज्यादा तेज है, एकदम ही तेज गाइस। अरे इसे देख के तो मजा ही आ गया एकदम। हाँ यार शिनचैन इतना ज्यादा तेज भाग रहा है गाइस ये, और मैं ये सोच रहा हूँ की एवेंजर्स अभी तक क्यों नहीं कर रहे कुछ। एक सेकेंड, थकान हो जाती है यार इतना तेज भाग के। खैर गाइस इसने थोड़ी सी स्पीड स्लो कर ली अपनी, क्योंकि शायद से थक गया है थोड़ा सा। और ये क्या हो रहा है? मैं लाइट की स्पीड से भी तेज भागने लग जाता हूँ कभी कभार, तो अंधेरा हो जाता है। एक सेकंड, ये क्या बकवास कर रहा है गाइस, ये लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज भाग लेता है क्या ये? अरे किसी भी चीज की स्पीड से तेज भाग लो, पर मेरी बात की स्पीड से तेज नहीं भाग पाओगे, तुम्हारी नाक तक पहुँचने वाली होगी वो भी। ज्यादा बकवास मत करो। खैर पता नहीं गाइस शिनचैन किस बारे में बात कर रहा है, मेरे को तो बस डर लग रहा है। पता नहीं गाइस क्या ही होगा हमारे फ्लैश का। एक सेकंड, ये बीच रास्ते में बेहोश क्यों हो गया अचानक से? अरे क्यों आ गए मजे? एक सेकंड मतलब? अरे मतलब ये कि उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही मैंने वहाँ पान मार दी थी। तू गया कब पर वहाँ पर? अरे क्या मैक्स भाई भी तो गया था पादम पे दौड़ी पद्दू बोल के। हाँ पता भी नहीं चला किसी को। वैसे कमाल कर दिया शिनचैन तुमने, ये हुई ना कुछ बात। ये तो चीटिंग है सरासर। अरे कोई चीटिंग नहीं है, ये तो रूल्स के अंदर है इस बार। हाँ यार फ्लैश को अगर तेजी भगाना होता तो फिर यार ये तो नॉर्मल सा चैलेंज हो जाता ना, इसलिए हमने ऐसे ऐसे रूल्स रखे हैं कि सबकी ऐसी की तैसी हो जाए। हाँ बिल्कुल सही बोला। खैर अब हमारी साइड से बारी है, तो अब ये बताओ कि किसको पहले भेजा जाए। मैं चला जाता हूँ पहले। नहीं 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 नहीं, पहले मैं जाऊंगा। एक मिनट, ये तो डार्क फ्लैश बोल रहा है। अरे ये तो बिल्कुल वैसी दिखता है वैसे। हाँ यार शिनचैन देखने में बिल्कुल है वैसी है, लेकिन उसका थोड़ा सा पहले का वर्जन है जब वो थोड़ा ठीक था, उसके बाद उसका दिमाग करप्ट हुआ और फ्यूचर में वो वैसा बन गया। अरे मतलब फ्लैश खुद ही फ्यूचर से आके अपनी ऐसी तैसी करता रहता है। हाँ ऐसा तो बोल सकता है यार। खैर अब इसकी बारी है, देखते हैं गाइस कि ये कितना तेज भागता है। एकदम तेज भागना। हम भी देखते हैं कितना तेज भागता है। अरे गाइस मेरे को लग रहा है घोस्ट कम्युनिटी वाले इस बारी पक्का कुछ ना कुछ करेंगे, पर कोई बात नहीं देखते हैं। खैर तो फिर रेडी हो जाओ तुम। तो 3, 2, 1 और गाइस यहाँ पर इसने भी भागना शुरू कर दिया और ये भी बहुत ज्यादा तेज भाग रहा है एकदम तेजी से। अरे ये हुई ना बात, ये पक्का हमें जितवाएगा। हाँ गाइस अभी तो ये जवान है, और गाइस जवानी में ज्यादा जोश होगा इसके अंदर और ये ज्यादा तेज भाग पाएगा। हाँ मेरे को भी ऐसी लगता है। खैर गाइस अभी पता नहीं क्या ही सीन होगा बिचारी घोस्ट कम्युनिटी का, उनकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। एक सेकंड, अरे ये क्या हो गया? मेरी टांगे, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। एक सेकंड, अरे ये क्या कर रहे हो यार तुम? अपने हाथों को तेज चला करके मैं आगे पहुंचूंगा। एक सेकंड गाइस ये क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे ये पागल हो गया है क्या? ऐसा लग रहा है कोई भूत पकड़ के खींच रहा है इसको। अरे इसमें आत्मा आ गई है शायद से, भागो। अरे गाइस ये क्या हो रहा है यहाँ पर? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरी एनर्जी खत्म हो गई। ये सब क्या था गाइस? मेरा तो दिमाग ही घूम गया गाइस। अरे मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। दरअसल इतनी ज्यादा तेज स्पीड में भागने की वजह से फ्लैश जैसे ही वहाँ पर उस चीज से टकराया, मतलब दूसरे रिवर्स फ्लैश की बॉडी से, तो फिर उसके पैर की हड्डियाँ टूट गई होंगी। लेकिन उसने अपने फ्लैश वाली पावर्स को यूज किया और अपने हाथों को हिला करके इतनी तेजी से हवा जनरेट करी कि वो हवा में उड़ पा रहा था, और हमें लग रहा था कि कोई आत्मा उठा के ले जा रही है उसे। खैर तुमने जो भी बोला समझ में तो कुछ आया नहीं, पर सुनने में काफी अच्छा लगा।
आयरन मैन कुछ भी बताते हैं तो मजा आता है सुनने में, भले समझ में कुछ भी ना आ रहा हो। मैंने तुम्हें इतनी अच्छी चीज समझाई, तुम्हें वो भी समझ में नहीं आई। अरे यार कोई बात नहीं यार, छोड़ो ना, क्या ही करना है, हमें इतना तो समझ में आ गया था कि वो अपनी पावर्स को यूज कर रहा था। खैर अब जल्दी से घोस्ट कम्युनिटी की बारी आ चुकी है वापस से, और अब बताओ कौन जाएगा, सेविटार या फिर ये कौन है अजीब सी ज़ॉम्बी सी शक्ल का? अरे वो ब्लैक फ्लैश है शायद से। हाँ ब्लैक फ्लैश ही है ये। खैर जल्दी से जाओ अब तुम दोनों में से कोई। क्या कह रहे हो कि तुम जाओगे? एक सेकंड, ये कैसी आवाजें निकाल रहा है और तुम्हें समझ कैसे आ रही है इसकी भाषा? अरे वही तो, एलियन है क्या ये? मेरे को भी ऐसी लग रहा है यार शिनचैन। ये एलियन नहीं है, इसकी भाषा मैं समझ सकता हूँ, ये बोल नहीं पाता ढंग से पर मुझे समझ में आ जाता है। ठीक है तुम ही जाओ। क्या बोला? इन लोगों की बोलती बंद कर दोगे? ये हुई ना बात, जाओ जल्दी से। खैर बोलती बंद करने का तो पता नहीं, आनी तो उल्टी जरूर करवा देगा हमें, ऐसी आवाजें निकाल रहा गाइस। हाँ वही तो, जैसे किसी के मुंह में गुठली फंस गई हो। हाँ बिल्कुल सही बोला शिनचैन। खैर बिल्कुल सही बोला शिनचैन ने, एक काम करो जाओ जल्दी से अब। खैर गाइस इसकी भाषा तो हमें समझ में नहीं आने वाली, लेकिन मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि अभी हम 3 तक काउंट करेंगे और फिर ये भागेगा। तो 3, 2, 1 और यहाँ पर गाइस इसने भी पूरी फुल स्पीड में ही भागना शुरू किया है, बाकी के फ्लैशेस की तरह ही, लेकिन गाइस देखते हैं आखिर कितना ही ज्यादा दूर तक भाग सकता है। अरे इसकी शक्ल देख करके तो ऐसा लगता है जैसे ज़ॉम्बी हो। हाँ यार शिनचैन शक्ल देख करके तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बी है। देखो गाइस आप इसकी शक्ल, यार इसके अंदर गाइस बहुत ज्यादा ही एनर्जी है क्योंकि अभी तक पूरी फुल स्पीड में भाग रहा है और इसका स्टैमिना बिल्कुल भी लो नहीं हुआ। अरे देखने में तो ऐसी लग रहा है, आखिर क्या ही बोल सकते हैं, ज़ॉम्बी बन चुका है अभी। हाँ यार शिनचैन ज़ॉम्बी के पास कुछ ज्यादा ही पावर आ जाती है शायद से। अरे फिर तो मेरे को भी ज़ॉम्बी बनना पड़ेगा लगता है। यार ज़ॉम्बी बनने का कोई फायदा वैसे होता नहीं है। खैर गाइस ये तो दोनों से आगे निकल गया बच के, भाई साहब कितना ही ज्यादा फास्ट है। और एक सेकंड गाइस नीचे गिर रहा है, एक सेकंड नीचे गिर चुका है गाइस और ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। एक सेकंड ये क्या कर रहा है ये? अरे अपने हाथों से वापस से हवा लगा रहा है ये तो। हाँ कितनी तेज हाथ हिल रहे इसके। गाइस क्या ही गंदा सीन है यार ये। अरे वैसे फ्लैश मेरे को एक बात बताओ। हाँ पूछो ना शिनचैन। अरे तुम लोग तो पॉटी एकदम से कर लेते होगे बिना किसी दिक्कत के। ये क्या कह रहे हो? अरे और नहीं तो क्या, पूरी फुल स्पीड में। हाँ गोली के रफ्तार से भी तेज निकलती होगी। एक सेकंड कहना क्या चाहते हो तुम? अरे यही कि आप जब भागते होगे तो आग के गोले लगते होंगे एकदम। एक सेकंड यार शिनचैन ये कैसी बातें कर रहा है यार तू, फ्लैश से फ्लैश की तो इज्जत ही नहीं रखी यार तूने बिल्कुल भी। अरे वो सब छोड़ो, सामने देखो रिवर्स फ्लैश ब्लैक फ्लैश पहुंच चुका है एंडिंग तक। एक सेकंड गाइस इसने एंडिंग पार कर ली, वो भी पूरे के पूरे 1 मिनट और 12 सेकंड्स में। ये हुई ना बात। यार गाइस कितनी ही ज्यादा तेजी से पार करी है यार इसने। अरे वही तो। खैर अब वापस ऊपर आ रहा है ये। खैर गाइस ये वापस आ चुका है। यार इसने गाइस काफी ज्यादा जल्दी कर लिया यार कंप्लीट। अरे वही तो। खैर मैं क्या ही बोलूं। खैर गाइस अब हमारी टीम से बारी है राइवल की। इनके जैसे 10 को हराता हूं मैं रोज, देखो अब कितने खतरनाक तरीके से हराऊंगा इन्हें भी। खैर गाइस राइवल में तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है। ये हुई ना बात, देखते हैं कैसे हराओगे, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी करके रख देंगे हम। अरे यार पिछली बार वैसे यार किसी ने कुछ भी नहीं करा यार ब्लैक फ्लैश के साथ, मतलब कि गाइस वो ज़ॉम्बीज की तरह एकदम तेज भाग रहा था और किसी एवेंजर ने कुछ भी नहीं कहा उसे, लेकिन इस बार घोस्ट कम्युनिटी वाले पता नहीं क्या ही करेंगे हमारे राइवल के साथ। खैर भूल गए थे शायद एवेंजर्स। वैसे सच बताया तो भूल ही गए थे। खैर मैं क्या ही बोलूं। ठीक है कोई बात नहीं, चलो राइवल अब तुम्हारी बारी है। तो 3, 2, 1 और यहाँ पर गाइस राइवल ने भागना शुरू करा। एक सेकंड ये कैसे भाग रहे नॉर्मल? अरे सॉरी वो भूल गया था, अब भागता हूँ पूरा तेज। एक सेकंड गाइस राइवल तो कुछ अलग ही लेवल की तेज स्पीड में भाग रहा है, आप देख सकते हो। अरे वाह ये हुई ना बात, राइवल पूरी फुल स्पीड में भागो। खैर गाइस ये तो यार उनकी लाशों से भी टकराने वाला था अभी। और एक सेकंड गाइस ये भी नीचे गिरने लग गया था लेकिन ये ऊपर की ओर आ रहा है वापस से। खैर गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है यार। ये हुई ना बात राहिबल, यार तुम तो एवेंजर्स का नाम रोशन करोगे बिल्कुल। अरे पर थोड़ा संभल के, कुछ भी हो सकता है आगे। हाँ यार कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। खैर लेकिन यहाँ पर मेरे को लग नहीं रहा कि ये कुछ कर पाएंगे क्योंकि राहिबल ने पार कर दिया है इस पूरे के पूरे रैंप को, वो भी 1 मिनट और 10 सेकंड के अंदर। यार गाइस ये हुई ना बात, इसने तो अच्छा खासा रिकॉर्ड सेट कर दिया। अरे अब तो एवेंजर्स को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ यार शिनचैन बात तो बिल्कुल सही बोली तूने। खैर राइवल आ चुका है गाइस वापस और अब बारी है घोस्ट कम्युनिटी की तरफ से सेविटार की। खैर गाइस सेविटार रेडी हो चुका है। सेविटार को अपना खतरनाक वर्जन निकालना पड़ेगा। एक मिनट, मतलब क्या कह रहे हो तुम? एक सेकंड गाइस ये रेड कलर का हो गया अचानक से। अरे तो कुछ ज्यादा पावरफुल लग रहा है अब। हाँ यार शिनचैन ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा है अब। खैर इस बारी एवेंजर्स तुम्हें कुछ करना ही होगा। टेंशन में लो, इस बारी बहुत खतरनाक प्लान है हमारे पास। खैर देखते हैं यार क्या ही करते हो तुम। ठीक है तो फिर
और अभी मैं तीन तक गिनता हूँ, तो 3, 2, 1 और यहाँ पर गाइस सेविटार ने भागना शुरू कर दिया, वो भी बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड में। एक सेकंड, ये तो यार सबसे ज्यादा तेज भाग रहा है गाइस। अरे ये तो सोचा ही नहीं था, ये तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक फॉर्म में आ चुका है अपनी। हाँ यार शिनचैन कितना ही ज्यादा तेज है गाइस, ये ऐसा लग रहा है अभी पार कर देगा एकदम से रैम। एक सेकंड गाइस, यहाँ पर ये भाग तो रहा है अभी, और मैं ये सोच रहा हूँ एवेंजर्स ने अभी तक कुछ करा क्यों नहीं इसके साथ। एक सेकंड, ये क्या सीन था गाइस, ये हवा में उड़ रहा है अभी, वापस से रैम पे आ रहा है और तेज भागने की कोशिश कर रहा है। खैर गाइस ये भाग तो अभी सीधा ही रहा है, लेकिन इसके पीछे हल्क आ चुका है और गाइस हल्क इसके ऊपर पत्थर मार रहा है। भाई साहब गाइस यहाँ तो गंदा ही सीन हो गया, अगर इसे रेस जीतने तो फिर इसे भागते रहना होगा, लेकिन यहाँ पर हल्क गाइस इसकी सबसे बड़ी रुकावट बन के आ चुका है जो कि इसको बहुत ही गंदा मार रहा है। एक सेकंड, ये तो नीचे कूद गया, मेरे को लग रहा है गाइस अभी नई टैक्टिक्स अपना रहा है, ये सोच रहा है कि ये शहर की साइड से भाग जाएगा। गाइस सच में बहुत ज्यादा तेज भाग रहा है यार, ये अभी 42 सेकंड्स बीते हैं बस और ये इतना ज्यादा आगे पहुंच चुका है। खैर गाइस फाइनली वापस से रैंप पे आ चुका है ये और काफी ज्यादा तेज भाग रहा है अभी भी। गाइस मेरे को लग रहा है ये खत्म करने वाले इस रेस को, और एक सेकंड गाइस ये काफी ज्यादा तेज आ रहा है। 1 मिनट हो चुका गाइस और यहाँ पर ये पार कर चुका है इस रैंप को पूरे के पूरे 1 मिनट और 6 सेकंड के करीब में। अरे तो सबसे ज्यादा तेज है। हाँ यार शिनचैन, हालांकि हल्क ने इसको परेशान भी किया था गाइस, उसके बावजूद ये इतना ज्यादा तेज है, मैं क्या ही बोलूं अब। अरे सेविटार तो सच में बहुत खतरनाक फॉर्म में था। हाँ यार शिनचैन सच में बहुत ही खतरनाक था। खैर अब गाइस हमारी टीम से बारी है फ्लैश की। फ्लैश देखो यार तुम्हें हमारी नाक नहीं कटानी, पूरी ताकत दिखा देना अपनी। अरे टेंशन मत लो यार, मैं अपनी इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से पावर्स दिखाऊंगा कि ये लोग हार जाएंगे। यार तुम्हें पूरी जान से भागना होगा, चाहे कुछ हो जाए ये लोग पूरी परेशान करने की कोशिश करेंगे तुम्हें। जानता हूँ मैं, देखते जाओ तुम। ठीक है गाइस देखते हैं कि आखिर फ्लैश क्या ही करता है। तो ठीक है, तो फिर फ्लैश मैं काउंट करता हूँ, तो 3, 2, 1 और यहाँ पर गाइस फ्लैश ने भागना शुरू कर दिया और अचानक से स्पीड इतनी ज्यादा तेज बढ़ा ली है कि गाइस मैं क्या ही बोलूं, बहुत ही ज्यादा तेज भाग रहा है अभी। इतना ज्यादा तेज भागेगा गाइस तब तो ये पक्का जीतेगा। अरे वही तो गाइस, क्या ही खतरनाक तरीके से तो ये बच गए अभी यार, निकला उनकी साइड से, उनकी लाशें भी तो पड़ी हुई है गाइस वहाँ पर अभी, रिवर्स फ्लैश की और डार्क फ्लैश की, उनके साथ तो गाइस अलग ही सीन हो गया। और यहाँ पर इसने इस रैंप को पार कर लिया, वो भी बिना किसी दिक्कत के। 1 सेकंड इतनी जल्दी क्लियर कर लिया गाइस, अभी तो 1 मिनट भी नहीं बीता, पूरे 57 सेकंड्स के अंदर ही कंप्लीट। अरे वाह ये हुई ना बात फ्लैश, कहा था ना मैंने मैं कर दिखाऊंगा। तुम लोग गए क्यों नहीं उसको रोकने? अरे मेरे को लगा तुम जा रहे हो। और मुझे लगा तुम। कोई किसी काम का नहीं है, मेरे को ही जाना पड़ेगा अगली बार से। अरे खैर तुम्हारी टीम फाइनली हार ही गई। खैर गाइस यहाँ पर फाइनली जीत चुका है हमारी टीम की तरफ से फ्लैश। अरे ये हुई ना बात फ्लैश, मेरे को तो लग ही रहा था कि यही जीतेगा। हाँ यार शिनचैन, हालांकि यार सेविटार ने तो ऐसी की तैसी कर दी थी, लेकिन मैं अगर सच बताऊं गाइस तो सेविटार जीत जाता अगर हल्क बीच में नहीं आया होता तो। यहाँ पर हल्क ने गाइस हमें बचा लिया। हाँ हल्क तुमने कमाल कर दिया। खैर तुम लोगों ने चीटिंग करी। अरे इसे चीटिंग नहीं कहते, ये तो रूल में था। हाँ यार तुम लोगों ने भी तो किया था यार, एक बार भूल गए क्या? हाँ। खैर गाइस मैं क्या ही बोलूं, आप लोग गाइस मेरे को कमेंट से बताना कि अगली बार हमें किन लोगों की रेस करानी चाहिए ऐसे खतरनाक सी। हाँ गाइस अभी के अभी बता दो कमेंट्स में।